अस्सलामुअलैकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? क्योंकि ये वीक मेरा वेजिटेबल वीक है तो मैं आज बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी और ये बहुत मज़े की बनती है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने तुरई ये आधा किलो के करीब तुरई है जो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। और देखिए, साफ़ करते वक्त आपने बिल्कुल उसको ग्रीन पार्ट को बिल्कुल निकाल देना है ना छिलके, और इस तरह से इसको आपने करना है। और अच्छे सब्ज़ी होनी चाहिए जो फ्रेश हो। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन के दो दाने मैंने निकाल लिए, इसको फाइनली चॉप किया मैंने। और जी, तो मैंने इसके अंदर दो दाने लहसुन जो मैंने चॉप किए थे वो मैंने ऐड कर दिए। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, ये चार अदद हरी मिर्चें हैं मोटी वाली जो मैंने इसको चॉप कर लिए थे, वो भी ऐड कर रही हूँ मैं। ये छोटी साइज की प्याज है एक, वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बने। ग्रेवी मतलब मैं सूखा बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है प्याज से। टमाटर मैंने दो मीडियम साइज लिए हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैं हाफ कप डालूंगी। पानी का इस्तेमाल इसमें करना नहीं है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक हाफ टीस्पून, हाफ टी स्पून डालना है, ठीक है? बाद में हम देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो फिर हम ऐड करेंगे। एक टीस्पून के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ली है, ये आपने ऐड करना है। इसमें धनिया भी जाएगा, हरा धनिया, लेकिन इसके थोड़ा सा देर के बाद, थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद ये सूख जाएगा पानी। और जब ये तुरई जब हाफ डन हो जाएगी तो मैं धनिया ऐड करूँगी। जी चले, तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से आप मिक्स कर लें, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। लहसुन आपने सिर्फ दो दाने जो छील के उसको बारीक बारीक चॉप करके, चार हरी मिर्ची मोटी वाली वो आप डाल दें इसके अंदर। मैं आज बहुत सिंपल रख रही हूँ, इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, और इसको इस तरह से बनाना है। जी तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है। इसमें आप कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लाल मिर्ची एक टीस्पून डाल दी है, नहीं तो मैं नॉर्मली हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून काली मिर्च डालती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। चलें, तो अब इसको हम कवर कर लेते हैं जब तक इसका पानी, बिकॉज सब्ज़ी भी पानी छोड़ेगी, टमाटर हैं, प्याज हैं, तो हम इसको जब तक ये थोड़ा सा गल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो मैंने हल्दी मेरा रह गया था, तो हाफ अ टी स्पून आपने हल्दी भी ऐड करनी है। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक दफ़ा फिर। ठीक है, इसका पानी अभी से शुरू हो गया आना, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी आना शुरू हो गया है। तो बस ये 15 मिनट में मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, 15 मिनट डेफिनेटली भूनने के बाद 15 से 20 मिनट में मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, बिकॉज सब्ज़ी बहुत जल्दी रेडी होती है। चलिए, तो हम वेट कर लेते हैं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये मेरे टमाटर और सब्ज़ी मेरी गल नहीं जाती। जी तो ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हुए हैं मज़ीद, और इसको मेरा ये तो काफ़ी हद तक गल गया है। कस्तूरी में इतना टाइम लगता नहीं है, आप देखें कलर इसका, टमाटर भी काफ़ी हद तक गल गए हैं। तो इस फेज में
अभी भूनने पे आ गया है, सही है। तो मैं अभी इसको ढाकूंगी नहीं बल्कि इसी ऐसे ही बनाऊंगी ना, ताकि वो ज़्यादा लिक्विडी भी ना हो। चलिए जी, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ धनिया, नमक, मिर्चें। आप यहाँ देख सकते हैं इस पेज में कि आपको अगर और मज़ीद बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, कम तो हो नहीं सकता, लेकिन ये कि आप इतना डालेंगे आपको बाद में एक प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम इसको अभी भून लेते हैं, तो फिर मैं बताती हूँ इसका फाइनल स्टेज कैसा है। जी, तो देखिए मेरी तुरई की सब्जी पानी की सूख गया और ये भूनने पे आ गया है, भून गया करके इस बार की से बंद करना है। ये तो रेडी हो गया है और आप इसको आप खिचड़ी के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, और चपाती जो आप बनाते हैं उसके साथ खाएं, तो बहुत बढ़िया लगेगी और आपकी फैमिली भी बहुत इंजॉय करेंगे इसको खा के। और आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा किस तरह से बनाते हैं, अपना रेसिपी भी शेयर करें ताकि यू नो मेरी इंफॉर्मेशन बढ़े। और चले मैं इसको अभी डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने डिश डिश आउट कर दिया है अपना ये रेसिपी, और अब मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ धनिया से जो मैंने रखा था, और थोड़े से अदरक मैंने जो काट करके रखे हैं वो भी अच्छा लगता है। आप ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो तुरई का सालन ना सब्जी तो, और खिचड़ी में भी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों ने कैसा बनाया, कैसा लगा आपकी फैमिली को ये डिश। बहुत सिंपल मसाले हैं और मिर्ची जो है वो आप अपने हिसाब से रखें, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आप बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और वो ये व्यूअर्स जो मेरे चैनल को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं, जो अपकमिंग वीडियोस आप देख पाएँ। और अपने व्यूअर्स से भी, अपने सब्सक्राइबर्स से भी रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर देखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं रेगुलर अपनी वीडियोस डालूंगी, बिकॉज़ आपको जैसे बताया था कि बीच में मैं बड़ी बिजी थी, लेकिन अब मैंने रेगुलर डालना है। और ये वीक मैंने थोड़ा वेजिटेबल का रखा था, तो आज मेरा वेजिटेबल का वीक ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगी फ़िश और चिकन के ऊपर, और आपको दिखाऊँगी कि इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। और प्लीज़ टू वॉच मी एंड वॉच माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।